सरकारी टीचरों के लिए प्राइवेट टीचरों के लिए कड़ा आदेश। जीएनके एडमिनिस्ट्रेशन अब अपना सख्त रवैया जो है स्कूलों के टीचर्स जो हैं उनके ऊपर अपनाती हुई नजर आ रही है। अब अगर सरकारी टीचर या फिर प्राइवेट टीचर अपने स्कूल के अंदर किसी भी क्लास के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। इस वक्त की बड़ी खबर बहु एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों तक देने जा रहा हूँ। ये खबर जो है ये सांबा से जुड़ी हुई है। सांबा के सीईओ जो हैं उन्होंने एक आदेश निकाला है। इस आदेश के तहत उन्होंने साफ तौर पर ये हिदायतें जो हैं वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं उन्हें दी हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो टीचिंग स्टाफ है वो किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकता मोबाइल फ़ोन का। अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वो किसी भी कक्षा के अंदर करता हुआ पाया गया जो सिर्फ पर्सनल यूज हो सकता है या फिर जब वो फ्री बैठा हुआ है उस समय भी करता हुआ पाया गया तो उस शख्स के खिलाफ, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो दी गई है कि अगर आपको किसी टीचिंग जो मटेरियल है उसको ढूंढने के लिए या फिर कोई आपको वैलिड रीज़न उसके लिए है, आपको अपने कंसर्न जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा उससे परमिशन लेनी होगी। विदाउट एनी परमिशन अगर कोई भी सरकारी अध्यापक जो है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई टीचिंग स्टाफ का शख्स है वो अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हुआ कक्षा के अंदर या फिर बाहर इंस्टीट्यूशन के पाया गया, अगर उसे देखा गया तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को ये पावर दी गई है कि वो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ले सकता है। हालांकि ये आदेश जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांबा तक सीमित है। अभी डिस्ट्रिक्ट सीईओ और डिस्ट्रिक्ट सांबा के जो सीईओ हैं एजुकेशन के, उन्होंने ये आर्डर निकाला है। लेकिन लाजमी है जब एक आदेश निकला है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो सीईओ रहेंगे वो भी ये आदेश निकालेंगे। एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। अगर टीचर्स जो हैं वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं, कुछ लोग रहते हैं जो अपनी ड्यूटी को उस तरीके से नहीं देते और उन लोगों के लिए आदेश निकाला गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार जो कदम उठाती है वो सराहने योग्य रहते हैं, लेकिन सभी लोगों पर ये उंगली नहीं उठती है कि सभी लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे। कुछ लोग जो हैं वो ही जो है पूरे महकमे को जो है वो बदनाम करते हैं। ये उन लोगों के लिए आदेश है और इस आदेश की हमें जो है वो सराहना करनी चाहिए। अब से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर अगर कोई टीचिंग स्टाफ जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हुआ निजी कारणों के लिए पाया गया, अगर मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, तब भी अगर आप मोबाइल फ़ोन को जो है आप वैलिड रीज़न की वजह से ना होते हुए किसी और पर्सनल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। डिसिप्लिनरी रिएक्शन जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद अगर आप उस डिसिप्लिनरी रिएक्शन में फेल होते हैं तो आपकी नौकरी भी हाथ से जा सकती है। ध्यान रखिएगा, आगे से अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो उसे क्लासेस में लेके ना जाइएगा, इंस्टीट्यूशन के अंदर उसे अपने इंस्टीट्यूशन से बचा कर रखिएगा। फिलहाल जो है उन्हें इंपोज किया गया है सांबा डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन सीईओ द्वारा। सराहनीय कदम, सराहते हैं उनके कदम को। ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट के सीईओ हैं वो ये कदम निकालें, ये कदम उठाएं और इस तरीके का ऑर्डर जो है वो निकालें, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। फिलहाल ये ऑर्डर आपके समक्ष जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस ऑर्डर को देखकर आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को जैसा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बाहू एक्सप्रेस पर। इधर उधर के साथ शुभ लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।